Hey guys, welcome back to my channel Art and Lefafa, and welcome back to another video with the new subject, new course, and that is BBA Digital Marketing. The first subject we will start with the introduction to digital marketing. So as you all know, digital marketing is on boom, and we have to know about digital marketing in business as well as in non-business terms. So what is the meaning of digital marketing? Digital marketing is the use of the internet, mobile devices, social media, search engine and any other channels to reach consumers. So agar hum business ki baat kare to business mein digital marketing ka kya matlab hota hai? Digital marketing ka business ka matlab wahi hota hai ki jis tarah hum internet ke through, mobile devices ke through, social media ke through ya hum search kar apne consumer tak pahunchte hain. To isko hum introduction to digital marketing bolte hain ek business ke andar. अब अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन बिजनेस टर्म्स, सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ टर्म यूज फॉर द टारगेटिंग, मेजरेबल एंड इंटरैक्टिव मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू रीच द व्यूअर्स एंड टर्न देम इंटू कस्टमर. So basically, if we talk about digital marketing, it is all about in terms of reaching customers through the digital platform or to the interactive marketing product, like with the help of mobile phones, technologies, internet, etc. So if we talk about the origin and history of the digital marketing, it is supposed to be like this. The term digital marketing was first used in 1990s. Jo digital marketing first world mein aaya tha, wo 1990s mein aaya tha. डेवलपमेंट ऑफ द वेब 1.0 प्लेटफॉर्म, ये जब इसका डेवलपमेंट हुआ था तो हम इसको बोलते थे वेब 1.0 प्लेटफॉर्म. उसमें क्या होता था, वेब 1.0 प्लेटफॉर्म अलाउज यूजर्स टू फाइंड द इंफॉर्मेशन दे वॉन्टेड बट डिड नॉट अलाउ देम टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन. सो वेब 1.0 प्लेटफॉर्म में क्या होता था, जब ये डिजिटल मार्केटिंग आया था, हम इंफॉर्मेशन को देख सकते थे, यूज़ कर सकते थे, बट हम उसको शेयर नहीं कर सकते थे किसी के साथ. इन 1993 द फर्स्ट क्लिकेबल बैनर वेंट लाइव. जैसे आजकल तो हम किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं, किसी भी इमेज पे क्लिक करते हैं तो हम एक वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, इस तरह से 1993 में फर्स्ट क्लिकेबल बैनर लाइव हुआ था, जिसको हम क्लिक करते थे तो हमारी कोई वेबसाइट ओपन हो जाती थी या फिर कोई भी वो इमेज थी वो ओपन हो गई थी. तो ये थी हमारी बेसिक ओरिजिन और हिस्ट्री ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. Now the needs of digital marketing. हमें digital marketing की need क्यों होती है? Digital marketing helps business stay a step ahead of their competition. Digital marketing हमें help करती है हमारे competition से एक कदम आगे रहने की, मतलब हमारा जो competitor है उससे हमें ये एक step आगे रखता है. Less expensive होता है digital marketing. It delivers analytics. ये हमें analytics दिखाता है कि हमारा business किस stage पे है, किस ग्रोथ फेज़ में है. तो ये हमें एक एनालिटिक्स बताता है जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को इजीली रन कर सकते हैं. रीच मोबाइल यूज़र्स, जिन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स है, टेक्नोलॉजीज़ है, उनको रीच करने में इजी होता है. आज के टाइम में मोस्टली ज़्यादातर लोगों के पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, मोबाइल फ़ोन तो है चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो उसके थ्रू क्या होता है, ये ईजी होता है कस्टमर को ग्रैब करने के लिए. बिल्ड ब्रांड रिकॉग्निशन, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं तो हमारे ब्रांड को एक वैल्यू मिलती है, एक रिकॉग्निशन मिलती है. जैसे कि अगर मैं रीसेंट में बात करूँ, मार्केट के अंदर इतने सारे ब्रांड्स हैं जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इन्वॉल्व हुए हैं, जो हमारे छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस हैं वो हमारे डिजिटल मार्केटिंग की वजह से ही बूम हुए हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एजुकेट कस्टमर. डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ बिजनेस के लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि ये कस्टमर को भी एजुकेट करता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, किस कैटेगरी में उसको क्या चीज़ लेनी है, और वो अच्छे से इवेलुएट कर सके किस ब्रांड की उसको चीज़ लेनी है, किस ब्रांड की नहीं लेनी है. उसको सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करता है डिजिटल मार्केटिंग. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग. ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो हमारे पहले मार्केटिंग यूज़ होती थी, डिजिटल मार्केटिंग जो हमारी अब यूज़ हो रही है. सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता था, उसमें हमारे लिमिटेड ऑडियंस होती थी क्योंकि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑडियंस को ही ग्रैब कर सकते थे.
ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम लेस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते थे क्योंकि हमारे पास एक जो सोर्स ऑफ ऑडियंस थी वो भी लेस थी और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के तरीके थे वो भी हमारे पास कम थे। हाई प्राइस फॉर एडवर्टाइजमेंट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस लगते थे हमें अपने प्रोडक्ट को अपने ब्रांड को एडवर्टाइज कराने के लिए। नॉन वर्सेटाइल, जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता था वो नॉन वर्सेटाइल होता था। हमारे पास कुछ ही तरीके होते थे अपने प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज कराने के लिए। डिलेड कम्युनिकेशन, हमारे पास कम्युनिकेशन लेट पहुंचती थी। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे तो हमें कम्युनिकेशन अपने कस्टमर से तब मिलती थी जब हम या तो वो सामान लेने आ रहे हैं या फिर हम डोर टू डोर सेल कर रहे हैं, तो हमें तब इन्फॉर्मेशन मिलती थी। लेकिन ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बिल्कुल अपोजिट है, द स्कोप इज़ वेरी लिमिटेड। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर स्कोप बहुत कम होता है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा मार्केट को ग्रैब कर लिया है, तो उसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग का जो स्कोप है वो बहुत हाई है। अब अगर हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी लो कॉस्ट, इसमें बहुत कम कॉस्ट लगती है क्योंकि सब कुछ डिजिटली होता है। वाइड रेंज ऑफ सोर्स, ये वाइड रेंज ऑफ सोर्स है, बहुत मतलब ज़्यादा लोगों को ये कैप्चर करता है और सोर्स मतलब एक तरह से काफ़ी लोगों को ये ग्रैब करके चलता है। मेजरेबल ऑनलाइन मार्केटिंग, ये बेसिकली एक ऑनलाइन मार्केटिंग है। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम ऑनलाइन छोटे स्मॉल बिजनेस होते हैं वो ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, अब बड़े ब्रांड्स भी अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करते हैं, बट इट इज़ अ ऑनलाइन मार्केटिंग। हम इजीली मेज़र कर सकते हैं यहाँ पे चीज़ों को, बिगर ऑडियंस रेंज। ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा जो लार्ज नंबर ऑफ स्केल ऑफ ऑडियंस हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग सामान देख रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, वो दिन में कितनी एड्स देखते हैं, कितनी एड्स को स्किप कर देते हैं, कितनी एड्स को फॉरवर्ड कर देते हैं, और एड्स की तरह से ही वो अट्रैक्ट होकर कुछ भी अगर चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अप्रोचेस टू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या अप्रोचेस होते हैं, मतलब हम किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। सबसे पहला, यूज़ कस्टमर एनालिटिक्स एज योर फाउंडेशन। कस्टमर की जो एनालिटिक्स हैं उनको अपने फाउंडेशन की तरह यूज़ करो। मतलब कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये सर्च करना चाहिए कि कस्टमर को चाहिए क्या। जो कस्टमर की एनालिटिक्स होते हैं, उनकी नीड्स वॉन्ट, उसको मिलाकर हम अपना फाउंडेशन को बिल्ड करें। मतलब कि जो कस्टमर को चाहिए हम उसको वही चीज़ प्रोवाइड करें। सेकेंडली, रेगुलर ट्रिगरिंग ऑफ कस्टमर इंगेजमेंट। कस्टमर की इंगेजमेंट को ट्रिगर करें कि कस्टमर क्या चीज़ चाहता है, कस्टमर को क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है। कस्टमर को रेगुलरली अगर हम अपने जो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट है या फिर हमारा कोई सर्विसेज है उसके बारे में हम रेगुलर उसको ट्रिगर करते रहेंगे तो कस्टमर के माइंड में एक बार को तो आ ही जाएगा कि हाँ, हमें मुझे ये प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए या फिर मुझे ये सर्विसेज लेनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ किसी भी वेबसाइट की, सपोज मिंत्रा क्या करती है कि अगर हम उसकी वेबसाइट ओपन करते हैं, उसकी जो ऐप है, हमने मिंत्रा की ऐप ओपन करी और हमने कोई प्रोडक्ट देखा, तो मिंत्रा का 2-3 मिनट बाद ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यू आर लुकिंग फॉर दिस प्रोडक्ट और दिस प्रोडक्ट इज़ ऑन डिस्काउंट और दिस सेल इज़ कमिंग अप। सो ये डिजिटल मार्केटिंग के एक रेगुलर ट्रिगर होता है कि एक अपने कस्टमर को किस तरह से ट्रिगर कर सकती है अपने प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए। अब किसी भी चीज़ की हम बात करते हैं उसमें उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो आते ही हैं। सो सबसे पहले एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। ब्रांड डेवलपमेंट, ये हमारे ब्रांड को डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। पर्सनलाइजेशन, ये एक ब्रांड का या एक प्रोडक्ट का सेल्फ पर्सनलाइजेशन करने में उसकी मदद करता है क्योंकि उसको सेल्फ ग्रोथ मिलती है। वाइडर रीच, ये हमें एक वाइडर रीच देता है अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए। ग्रेटर इंगेजमेंट, एक तरह से इंगेजमेंट प्रोवाइड करता है कि कस्टमर, जैसे हमने मैंने आपको अभी बताया था कस्टमर को रेगुलर ट्रिगर करना। एसेसिबिलिटी, ये एक एसेसिबिलिटी है, इसका कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आप आज कर रहे हो, मतलब ये आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन देता ही रहेगा अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपना कुछ प्रोडक्ट का सेल, प्रमोशन एक्सेट्रा जो भी कर रहे हो। लोअर कॉस्ट, ये इसमें आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती। अगर हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ लाइक कुछ अलग चीज़ कर रहे हो तो हाँ आपको कॉस्ट लग सकती है, आप प्रमोशंस कर रहे हो, वैसे अदरवाइज इट्स वेरी लो कॉस्ट। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, हाई कॉम्पिटिशन। डिजिटल मार्केटिंग जितना ज़्यादा बूम पे है उतना ज़्यादा इसके अंदर कॉम्पिटिशन भी है। डिपेंडेबिलिटी ऑन टेक्नोलॉजी,
ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसको हम मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, लैपटॉप, कंप्यूटर, इनके थ्रू ही एक्सेस करते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करो तो आपको सारी चीज़ टेक्नोलॉजी के थ्रू ही करनी पड़ती है, और टेक्नोलॉजी आपका बहुत टाइम कंज्यूम करती है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशूज़, जहाँ टेक्नोलॉजी वर्ड आता है, जहाँ डिजिटल वर्ड आता है, वहाँ आपका सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशूज़ आती हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को ऑप्ट करते हो तो। ये तो थी हमारी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब आते हैं हमारे स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब हमारे डिजिटल मार्केटिंग के स्कोप्स क्या क्या होते हैं? इट इज़ फ्लेक्सिबल, येस इट इज़ फ्लेक्सिबल, क्योंकि हम इसको किसी भी तरह अपने हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से किसी भी तरह से मोल्ड कर सकते हैं। इट इज़ ईजी, अगर हम इसको ट्राई करते हैं तो ये बहुत ईजी होता है, और अगर हम इसको नहीं कर रहे हैं और हम न्यू भी हैं तो भी हमारे लिए ही ईजी होगा फर्स्ट स्टेप में। इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली है, इसमें किसी भी तरह का किसी को भी कोई हार्म नहीं होता अगर हम करते हैं सब। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं तो हार्म उसमें भी नहीं होता, बट इट इज़ इको फ्रेंडली बिकॉज इसमें हम किसी को भी कैसा भी कोई हार्म नहीं पहुँचा रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो सेल्फ अपने फ़ोन से या अपने सिस्टम से कर रहे हैं। ईजी टू टारगेट ऑडियंस, ईजीली हम इसमें ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, तो इसका स्कोप बहुत है इसमें। लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें लो इन्वेस्टमेंट होती है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बाद में मिलता है, आरओआई जो हमें मिलता है वो काफ़ी हाई होता है अगर हमारी ब्रांड वैल्यू या हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है तो। फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी थी, तो जैसा कि मैंने अभी नोटिस करा है कि इंडिया में तो इसका स्कोप है, आउटसाइड इंडिया भी इसका बहुत स्कोप है। तो अगर हम बात करते हैं फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, तो हम इसमें लिख सकते हैं येस दे बोथ हैव स्कोप इन इंडिया एंड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो ये जो मैं पॉइंट बताने वाली हूँ ये इंडिया के लिए भी है और आउटसाइड इंडिया के लिए भी है। कंटेंट राइटिंग जॉब्स, कंटेंट राइटिंग की जॉब्स हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। जो भी कंटेंट हमें प्रोवाइड होता है इंटरनेट पे, जो भी प्रोवाइड होता है वो कंटेंट होता है। अगर हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं या फिर हम कोई ई बुक्स की बात करते हैं या फिर अगर हम कोई वीडियोस की बात करते हैं, ये सब कंटेंट है, ये सब कंटेंट राइटिंग है। तो इसकी जॉब हमें डिजिटल मार्केटिंग में, इसका स्कोप है। सेल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हम खुद अपना डिजिटल मार्केटिंग करके अपने कोर्स को सेल कर सकते हैं, तो इसमें भी इसका फ्यूचर है। बिकम अ ट्रेनर, हम ट्रेनर बन सकते हैं अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी नॉलेज है तो हम ट्रेनर भी बन सकते हैं। आई एम नॉट अ ट्रेनर बिकॉज आई डोंट हैव that much knowledge of digital marketing, but yes I can teach the फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो एज अ freelancer, जो freelancer की तरह काम करते हैं, जो जैसे कि काम आता है वो करते हैं और उनको उसका पैसा मिल जाता है। जैसे कि अगर हम कंटेंट राइटिंग की बात करें या फिर हम कोई ब्लॉग पोस्ट लिखने की बात करें, तो ये सब हम डिजिटल मार्केटिंग में इनका फ्यूचर है। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज एग्जाम्पल ऑफ गुड प्रैक्टिसेज इन डिजिटल मार्केटिंग। So this is all about unit first from digital marketing. Hope you guys like it, and the more units will coming soon. Stay tuned.